हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु देव सर यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट किया था और उसमें भिन्नों के सीरीज पढ़ रहे थे, भिन्नों के सीरीज से रिलेटेड एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, हमने लास्ट टाइम बताया था कि इस तरह के अगर हूँ 1, 3, 5, 7 प्लस 3, 5, 7, 9 प्लस 1/5 × 7 × 9 × 11 प्लस 1/7 × 9 × 11 × 13। जैसे देखिए, इस तरह की एडिंग दे दे आपको, तो आपको करना क्या है, हमने आपको ये बताया कि भैया आप ये कर लीजिए 1/m − 1 × डिफरेंस ब्रैकेट में 1/1 − 1/लास्ट। अब देखिए, हमने आपको ये बताया था कि आप ये देखिए भैया कि जब यहाँ पे 4-4 गुणनखंड होंगे तो 3-3 की रिपीटेशन होगी, अगर 3 होंगे तो 2 की रिपीटेशन होगी, 5 होंगे तो 4 की रिपीटेशन होगी, 2 होंगे तो 1 की रिपीटेशन होगी। यहाँ देखिए 3-3 नंबरों की रिपीटेशन है। तो अब देखिए, यहां जो यम का मान हमने बताया, वो हमने बताया था कि जितने गुणनखंड हैं, यहां गुणनखंड 4 हैं, तो हम ये कह देंगे 4 − 1 = 3 हो गया, और प्रत्येक 2 गुणनखंडों के बीच का जो अंतर है वो यहां लिखना है, 3 × 1 = 2, यानी कि प्रत्येक 2 गुणनखंडों के बीच का जो अंतर है वो 2 है, वो हमने लिख दिया। अब फर्स्ट में देखिए, हमने ये बताया कि अगर 2 गुणनखंड होंगे तो फर्स्ट में 1 लेंगे, अगर 3 होंगे तो 2 लेंगे, 4 होंगे तो 3 लेंगे। यहां पे 4 गुणनखंड हैं तो फर्स्ट में ये 3 और लास्ट में ये 3 होंगे हमारे। अब देखिए, ये आपका हो गया 1 × 3 × 5 − 1/9 × 11 × 13, ये आपके नंबर हो गए, इनका एलसीएम देखिए, हम ये कर देंगे 5 × 9 × 11 × 13, ये हमारे एलसीएम हो गए। अब देखिए, इससे जब डिवाइड करेंगे, 5 खत्म हो गया, 3 बचा, यानी कि 13 × 11 × 3 हुआ, और यहाँ पे −5 हो गया, और ये आपका 3 × 2 = 6, ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, आप चाहे इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 11 × 3 = 33 हो गया, 13 × 3 = 39, आप यहां कर लेते हैं, देखिए 11 × 3 = 33, 13 × 3 = 39 39 × 3 = 42 हो गया, −5 बटे आपका हो गया 5 × 9 × 11 × 13, और 1/6 जो होगा वो बाहर में हो गया। अब देखिए, इसको आप यहां का 29 से 5 गया तो ये हो गया 424 आपका 5 × 9 × 11 × 13, और 1/6 भी बचा हुआ है, 6 से कटेगा नहीं, हम ऐसा करते हैं 2 से काट दें, 2 × 3 = 6 हो गया, और ये हो गया 2, यानी कि आपका जो आंसर हुआ ये हुआ 212/3 × 5 × 9 × 11 × 13, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आज हम लोग भिन्नों का गुणनफल सीखते हैं। अब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए 2 भिन्न दिए गए हों, जैसे a by b हो × c/d हो, तो देखिए पहला काम ये करना है भैया कि अगर ये किसी नंबर से कट रहे हों तो आप काट लीजिए, अगर नहीं कटते हैं तो अंश में अंश का गुणा कर दीजिए और हर में हर का गुणा करके लिख दीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम कह दें 12/21 × 14/15। अब देखिए, जैसे ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 हो गया, और 3 से ये कट जाएगा, 3 × 4 = 12 हो गया। अब देखिए, कटने लायक नहीं है तो अंश में अंश का गुणा कर दिए और हर में हर का गुणा कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे देखिए भैया, अगर ऐसे हो जाए
हम ये कह दें 4/5 गुणे 9/24 गुणे 2/3। अब आप ये देखिए, 4 से 1 कट जाएगा, 4 से 24 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 3 3 9 हो गया, 3 3 3 हो गया। अब देखिए अंश में 1 बचा और हर में 5 बचा, यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये सिंपल सी बात कि अगर कटने लायक है तो काट देंगे, नहीं तो अंश में अंश का गुणा कर देंगे और हर में हर का गुणा करके लिख देंगे। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए सामान्य सी बात रही कि गुणा करना है इस तरीके से, लेकिन एग्जामों में करता क्या है, कभी कभी इस तरह के आपको गुणा दे दे, जैसे 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 इंटू 1+1/5, जैसे ये दे दिया। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए पहला काम ये करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 × 2 = 3/2 हो गया, और 3 × 3 = 4/3 हो गया, 4 × 4 = 5/4 हो गया, 5 × 5 = 6/5 हो गया। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर आया 6/2, यानी कि 2 से 1 कट जाएगा, आंसर हमारा 3 हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यही सवाल अगर इस तरीके से हमें दे दे 1+1/2 1+1/3 1+1/4 एंड सो ऑन 1+1/100 दे दे। अब देखिए ऐसा हम नहीं करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक इस तरीके से लिखें और उनको सॉल्व करें, ऊपर नीचे काटें, कट जाए जो बचे उनका गुणा कर लें। ऐसा अगर करने जाते हैं तो टाइम भी हमें लगेगा। तो आप देखिए जब इस तरीके के सीरीज का सवाल ऐसे बने तो आप ऐसा करिए कि पहले 2 को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 2 × 2 2 से 1 गया 1/2 और 3 यहां 2 × 2 1 3/2 प्लस है इंटू ये 4/3 हो गया। तो आप देखिए 3 से 3 कट गया। अब जैसे ही हमने 2 को सॉल्व किया तो हमें ये देखिए ये पता चला कि पहले का अंश दूसरे के हर से कट गया, तो पहले के हर में 2 बचा। अब यहां पे जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये देखना होगा कि पहले का बचा क्या है। यदि पहले का हर बचे तो अंतिम का अंश लिख दीजिए, यदि पहले का अंश बचे तो अंतिम का हर लिख लीजिए। और यह तभी लागू होगा जब पहले और दूसरे को सॉल्व करने पर पहले का अंश या हर, या तो अंश या तो हर, दूसरे के अंश या हर से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब देखिए यहां पर पूर्णतः विभाजित होने के बाद की कंडीशन है, यहां 2 बचा हर बचा तो अंतिम का अंश लिख देंगे। तो 100 × 100 1 जोड़ दिए 101, यानी कि जो उत्तर हो गया 101/2 ये हमारा आंसर हुआ। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं फिर इसे आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हम ये कर दें 1+1/11 1+1/12 एंड सो ऑन 1/1+137 कर दिया। इसी प्रकार यहां कर दें 1+1/21 इंटू 1+1/22 एंड सो ऑन 1+1/n+1 कर दिया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसे पहले दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 12/2 इसे सॉल्व करते हैं, ये 12/11 हुआ और ये 13/12 हुआ। अब आप देखो पहले का हमारा क्या खत्म हुआ, अंश खत्म हुआ, पहले में हर बचा तो अंतिम का अंश लिख देंगे। अब देखिए 137 में 1 का गुणा करेंगे 138 हो गया, 138/11 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही। अब देखिए ये दूसरे को सॉल्व करेंगे, यहां भी देखिए 22/21 हुआ और ये आपका 23/22 हुआ। तो अब देखिए यहां पर भी हर बचा तो अंतिम का अंश लिख देंगे, n प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो n प्लस 1 होगा, और 1 ऐड कर देंगे तो n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 2 हुआ, यानी कि आंसर हो गया n+2/21। बात समझ में आ रही। यानी कि जब इस तरह का होगा मल्टीप्लाई तो हमें केवल 2 को, पहले 2 को सॉल्व करना है,
और पहले दो में यदि पहले का अंश बचेगा तो अंतिम का हर लिख देना है, पहले का हर बचेगा तो अंतिम का अंश लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए 1-1/2 हो, 1-1/3, 1-1/4 एंड सो ऑन, 1-1/101 कर दें। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, यहां 1/2 हुआ, यहां 2/3 हुआ, अब देखिए इसका हर खत्म हो गया। अब की बार अंश बचा है तो अंतिम वाले का हर लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया, सीधे सीधे हमारा आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम कह दें 2-1/3, 2-3/5 एंड सो ऑन, 2-99/100 101। देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। अब देखिए यहां पर भी हम वही करेंगे, 3 × 6, 6 × 1 = 5/3 हो गया, और 5 × 10, 10 × 3 = 7/5 हुआ। अब आप ये देखो पहले वाले का हर बचा तो अंतिम का हमें अंश लिख देना है, तो अब देखिए 101 में 2 का गुणा करेंगे 202 आएगा, और 202 से 99 माइनस करेंगे तो 103 बचेगा, यानी कि जो उत्तर हुआ 103/3 हो गया। बात समझ में आ गई? तो देखिए करना बस इतना है कि पहले का अंश बचेगा तो अंतिम का हर लिख देना है, पहले का हर बचेगा तो अंतिम का अंश लिख देना, बस हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। आइए जैसे देखिए भैया एक एग्जांपल और देख लिए, 2-5/7 हो जाए, 2-7/9 हो जाए एंड सो ऑन, 2-999/1001 हो जाए। सवाल हुई है सेम, बस डिजिट हमने चेंज कर दिया। अब देखिए यहां पे 7 × 14, 14 × 5 = 9/7 हो गया, 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 11/9 हो गया। अब देखिए 9 कट गया, पहले का हर बचा अंतिम का अंश लिख देना है। अब 2 का 1001 में गुणा करेंगे 2002 हो जाएगा, उसमें से 999 माइनस करेंगे तो हमारा 1003 बच जाएगा, तो उत्तर में हो गया 1003/7। बात समझ में आ रही होगी? देखिए ये अप्लाई तभी करिएगा भैया जब पहले का अंश या हर दूसरे के अंश या हर से समाप्त हो जाए, अगर नहीं होता है तो हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, इसके अगले टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मल्टीप्लाई में जैसे इस तरह का अगर दे दे आपको 1-1/4, 1-1/9, 1-1/16 एंड सो ऑन, ये हमारा हो गया 1-1/144। देखिए अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये 3/4 हुआ और ये हमारा 8/9 हुआ। अब यहां पर आप देखिए, यहां पे ध्यान देने बात है कि यहां पर ना इसका अंश ना इसका हर, दोनों में से कोई भी इससे पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। पूर्णतः विभाजित का मतलब ये है कि पहले का अंश अगर दूसरे के हर से खत्म हो तो पहले का अंश भी समाप्त, अंश खत्म हो रहा है तो दूसरे का हर भी खत्म, यानी कि कहने का मतलब है दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है, पूर्णतः नहीं कट रहे हैं, दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए ये यहां बच जा रहा है, 3 × 3 = 9 हो गया, या इससे काटे 4 × 2 = 8 हो गया, ये बच जाएगा। अब वो रूल फॉलो नहीं होगा। तो अब समझिए जब वो रूल नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। आइए जैसे आप जानते होंगे हमने एडिंग करते समय भी बताया था आपको कि a² - b² को हम कर सकते हैं a - b (a+b) लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देखिए भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो अब देखिए अगर इस 4 को हम 2² लिख दें और 9 को 3² लिख दें, 16 को 4² लिख दें और 44 को 12² लिख दें,
और वन जो है वन को स्क्वायर लिख देंगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक की घात चाहे जितना लगा दीजिए मान उसका एक ही रहेगा। तो अब देखिए सारे नंबर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में परिवर्तित हो गए। अगर ये सभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में परिवर्तित हो गए तो हम ऐसा करेंगे इसे तोड़ लेंगे, एक माइनस एक बट्टे दो कर दिया इसे और एक प्लस एक बट्टे दो कर दिया, इसे हम एक माइनस एक बट्टे तीन और एक प्लस एक बट्टे तीन कर दिया एंड सो ऑन, इसे एक माइनस एक बट्टे बारह और धन एक प्लस एक बट्टे बारह कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी में जब तोड़ दिए तो हम ऐसा करेंगे माइनस वालों को एक साथ लिख लें और प्लस वालों को एक साथ लिख लें। जैसे देखिए ऐसे मझले ब्रैकेट में वन माइनस वन बाई टू कर दें, फिर वन माइनस वन बाई थ्री कर दें एंड सो ऑन, वन माइनस वन बाई ट्वेल्व कर दिए। माइनस वाले को एक साथ लिखे और प्लस वाले का एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब देखिए प्लस वाले को हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए ये माइनस वालों को एक साथ किया प्लस वालों को एक साथ किया, अब दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, बाद में इनके गुणनफल में जो आएगा उन दोनों का फिर गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर इनको सॉल्व करते हैं, ये देखिए एक बट्टे दो इंटू दो बट्टे तीन, ये देखिए कैंसिल हुआ, पहले का अंश बचा तो अंतिम का हमने हर लिख लिया, एक बट्टे बारह हो गया, एक बट्टे बारह हो गया। यहां देखिए तीन बट्टे दो इंटू चार बट्टे तीन, ये देखिए पहले का हर बचा तो अंतिम का अंश लिखना है तो अंतिम का अंश हमारा तेरह बट्टे दो हो गया, सॉरी तेरह बट्टे हाँ तेरह बट्टे दो हो गया। अभी इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया तेरह बट्टे चौबीस। बात समझ में आ गई, यानी कि जब इस तरीके का प्रश्न देगा तो हम करेंगे क्या, इनको तोड़ लेंगे a माइनस बी और a प्लस बी में। ये तो रहा तरीका आपको लगाने का। देखिए हमारा अपना एक फंडा है पढ़ाने का, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं कोई भी सवाल दिया तो पहला ये होता है कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए पूरा कंप्लीट, इसके बाद आप डायरेक्ट भी देख लीजिए कि हम इसे देखते ही कैसे आंसर टिक कर सकते हैं वो भी बातें बताएंगे। जैसे देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, अब ये हो गया हमारा आंसर आ गया, इसे नोट कर लीजिए। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न दे दे और स्क्वायर में दे दे तो आप देखिए क्या करेंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल इसका स्क्वायर लिख लीजिए और आप ये समझ जाएंगे कि ये a माइनस बी और a प्लस बी में टूटेगा। तो आपको करना क्या होगा, पहले वाले का माइनस वाला भाग, माइनस वाला भाग इंटू अंतिम वाले का प्लस वाले भाग का गुणा कर दीजिए, हमारा उत्तर हो गया पहले का माइनस वाला भाग और अंतिम का प्लस वाला भाग। अब इसके माइनस वाला भाग क्या होगा, वन माइनस वन बाई टू होगा और अंतिम के प्लस वाला जो भाग होगा वो होगा वन प्लस वन बाई ट्वेल्व। अब देखिए ये एक बट्टे दो हो गया और ये तेरह बट्टे बारह हो गया, हमारा आंसर हो गया तेरह बट्टे चौबीस, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जल्दी इंस्टाग्राम पे हम अपना एक आईडी बनाते हैं, उस पर जुड़िए, जो भी सवाल आपके होंगे हम आपको उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। और जैसे कुछ लोग कह रहे थे सर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दीजिए, आप निश्चिंत रहिए भैया, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, आप डेली वीडियो मिलेंगे, मैक्सिमम एक हफ्ते में हम ऑनलाइन क्लास कर देंगे, और जब ऑनलाइन क्लास करेंगे तो आप मान के चलिए कम से कम डेढ़ घंटे की क्लास होगी आपकी, और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, आप जिस तरीके से जितना भी पूछेंगे सारी चीज़ें आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, सारे सवाल भी आपको मिलेंगे, सवाल भी आप करिए, जो आपसे फंसते हैं वो भी पूछिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल और करते हैं डायरेक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए जैसे ये हो जाए वन अपॉन सिक्सटीन, वन माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव,
एंड सो ऑन, वन माइनस वन अपॉन, हम ये कर दें 400। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हम कह दें 1 माइनस 1 अपॉन 9, 1 माइनस 1 अपॉन 16 एंड सो ऑन, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अक्सर इस तरह के जो सवाल देते हैं वेरिएबल में करके देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से आ गए फिर वेरिएबल भी हो जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहला काम केवल इतना करना है कि आप देख लीजिए ये किसका किसका वर्ग है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये देखिए 20 का स्क्वायर, और यहां देखिए ये 3 स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये एन स्क्वायर आपका दिया हुआ ही। तो अब देखिए हमने बताया था कि पहले वाले का माइनस वाला भाग और अंतिम वाले का प्लस वाला भाग, देखिए हो गया। ये देखिए 4 करने 4, 4 से 1 गया, 3 बटे 4 हो गया, 20 करने 20 है कि 21 बटे 20 हो गया, सीधे सीधे आंसर हो गया 63/80 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए, हमने कहा पहले वाले का माइनस वाला भाग और अंतिम वाले का प्लस वाला भाग। आप देखिए भैया 3 करने 3, 3 से 1 गया 2/3, n का 1 में मल्टीप्लाई किया n हुआ इंटू n प्लस 1 अपॉन n, आपका आंसर हो गया 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 3। बात समझ में आ रही होगी, चलिए हो गया, आगे देखते हैं भैया। ये रहा अगले टाइप की तरफ चलते हैं। कभी कभी वैसे जब हम कर्णी और घातांक पढ़ाएंगे तो उसमें भी उस टाइप के सवाल बताएंगे, अब भिन्न की बात है और हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करना सीख लिया है, तो देख लीजिए उस तरह के भी प्रश्न हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 1+1/2 हो और 1+1/2 हो इंटू 1+1/2 और आपसे ऑप्शन में इस तरीके से दे दे, मल्टीप्लाई करना है आपको, ऑप्शन दे दे 1-2 दूसरा ऑप्शन दे दे 2-2 तीसरा ऑप्शन दे दे 2-2 चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस। अब इसे आपको सॉल्व करना है, देखिए अब देखिए जैसे इसे सॉल्व करना है, हम आपको बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ेंगे, तो अब देखिए अगर 1+1/2 है तो अगर हमें 1-1/2 और मिल जाए तो हम ये कह देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। अब देखिए हम अपनी तरफ से इसमें 1-1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1-1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब इसके मान में परिवर्तन हो गया। अगर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा फिर कर दें तो ये 1/2, देखिए 1/2 इंटू 2 हो गया, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके मान में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी हुआ, तो अब देखिए ये दोनों मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे तो 2 यहां हो गया। अब देखिए ये हो गया 1-1b² होगा तो 2/2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए फिर ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखिए फिर ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ रही बात है। अब देखिए फिर ये a माइनस बी और ये प्लस बी, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 × 1-1/2 हो गया। इसी का आंसर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 2 × ये माइनस, जैसे पहले ये देख लीजिए इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1-2 ठीक है। अब इसे देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2−8+1 हो गया, जब आधार बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, ये देखिए 2−2−7 हो गया। बात समझ में आई, इसका आंसर ये वाला, बात क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए
अगर ना समझ में आया हो एक बार फिर रिपीट करते हैं, ऑप्शन को डिलीट करके एक बार फिर रिपीट करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए हमारा प्रश्न यही है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये ना हो, अभी जैसे ये 1+1/2 है, अगर इसमें हम 1-1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1-1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी में फिर इस तरीके से हम कर दें 1+2 स्क्वायर का, अब ये फिर a-b और a+b मिल गया, तो हम सीधे सीधे फिर कह देंगे a²-b² होगा। अगर यही चीज फिर यहां पे प्लस वाला मिल जाए तो फिर ये कंडीशन बन गया a-b और a+b, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 1/2 power 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1-2 power -8। बात समझ में आ रही? जबकि सवाल में हमारा जो दिया था ये ना देके यहां पे 1-1/2 ना नहीं दिया था, बल्कि इसकी जगह पे यहां पर ये दिया हुआ था, यही दिया हुआ था। तो देखिए इसको a-b, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी कि जो आपके विकल्प दिए होते हैं उसके अनुसार सॉल्व करना होता। अगर विकल्प सीधे सीधे अंश बटे हर के रूप में दे दिया होता तो इनको सीधे सॉल्व करके हम लिख लेते गुणा करके, लेकिन ऐसा नहीं दिया था, ऑप्शन आपका घात के रूप में दिया था, तो उसको हमें उस तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए इसको पहले a-b a+b में बनाने के लिए हमने 1-1/2 का अपनी तरफ से गुणा किया और ये मान परिवर्तित हो रहा था, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई और किया। जब ये इस तरीके से बन जाए तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 1 2 हो गया, 2 2 4 4 4 8, सीधे आंसर लिख दिया 1-1/2 power 8 हो गया, 2 यहां लिख दिया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कह दें 1+3 1+1/3² × 1+3 power 4 1+3 power 8। जैसे देखिए इसे कल सॉल्व करके आंसर लिखना है, तो अब देखिए a-b हमें नहीं दिया है, a+b दिया हुआ है, तो a-b बनाने के लिए 1-1/3 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें। 1-1/3 का मल्टीप्लाई किए तो ये देखिए 3 × 3 3 से 1 गया 2/3 का हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो 3/2 का भी फिर गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये कट के 1 हो जाएगा और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 3/2 का गुणा कर दिया एक्स्ट्रा, अब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब देखिए a-b a+b आप सीधे सीधे 1 1 2 हो गया, 2 2 4 4 4 8 8 8 16, सीधे सीधे आंसर लिख दिए 2/3 × 1-1/3 power 16, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही? आगे देखिए ये आपका उत्तर हो। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ये रहा आपका भिन्नों के गुणनफल, जो एग्जाम में अक्सर सवाल बनते हैं। बाकी तो आप भिन्न सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो वहाँ पे पूरा बॉर्ड मास भी करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो अलग से सिंप्लीफिकेशन टॉपिक ही पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे भिन्न दशमलव सबके इकट्ठे मिक्स करके वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्यूबिक पे जो सवाल बनते हैं, स्क्वायर पे जो बनते हैं, फार्मूले पे जो बनते हैं, वो सारी चीज़ें अलग से करेंगे। ठीक है, इसको देखिए वीडियो, अच्छा लगे कमेंट करिए।